मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एसिन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है अलजबरा यानी बीजगणित। फ्रेंड, मैं अलजबरा में यह बता चुका हूं, x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू ए हो तो एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू होता है ए क्यू, और माइनस जितना पावर है उस पावर को बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और माइनस है तो यहाँ पर प्लस। और इस केस में जब x माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू ए हो सो एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू का फार्मूला में बताया हूँ ए क्यू, अब प्लस जितना पावर है उस पावर को बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका आंसर होता है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ध्यान से इसको समझिए और देखिए भी, x का वैल्यू यह दिया हुआ है और y का वैल्यू भी दिया हुआ है, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है पहले बताइए। आप देख रहे हैं क्या, ये जो टर्म है इसका जस्ट उल्टा है ना, रूट थ्री प्लस टू रूट टू ऊपर है और रूट थ्री माइनस रूट टू नीचे है, यानी y का जो वैल्यू है या इसके अपोजिट है, इसके नीचे क्या है वन है, इसकी अपोजिट है, यानी y का वैल्यू x का अपोजिट है ना, x का अपोजिट वन, y इक्वल टू वन बाय एक्स है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक्स क्यू अ प्लस, y का वैल्यू क्या है वन बाय एक्स है, तो y के जगह पर रख दीजिए वन बाय एक्स, तो हो जाएगा वन बाय एक्स क्यू। लेकिन वहाँ एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू का फार्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस थ्री ए, लेकिन इसका वैल्यू कब निकलेगा जब हमें x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू मालूम हो। फ्रेंड, x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू दिया हुआ है रूट थ्री माइनस रूट टू और रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस वन बाय एक्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स वन बाय एक्स के या वाई के, दोनों तो एक ही चीज़ है, यानी वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना रूट थ्री अब प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस टू, यही दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाय एक्स। और इंडिसेस एंड सॉर्ट्स में मैं बता चुका हूँ इसका जो सोलूशन होता है, अगर दोनों टर्म सेम हो, देखिए रूट थ्री रूट टू रूट थ्री रूट टू रूट थ्री रूट टू रूट थ्री रूट टू, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और बीच में प्लस, अगर ऐसा हो तो मैं यह इसका तरीका बताया था टू मल्टीप्लाई थ्री और टू का सम, थ्री प्लस टू कितना होगा फाइव, तो यहाँ लिख दीजिए फाइव, और डिवाइड बाय थ्री और टू के बीच का जो अंतर है यानी डिफरेंस कितना है वन, सो इसका वैल्यू होगा टेन, यानी एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू आ गया टेन, यानी इसका सोलूशन हो गया 10। मैं डिस्कस ऑलरेडी इंडिसेशन कर्सर्ट्स में कर चुका हूँ। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या होता है, जितना x प्लस वन बाय एक्स का जितना वैल्यू आ रहा हो इसका वैल्यू कितना है 10 है, एक जगह पर 10 है, इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा 10 पर पावर 3 माइनस जितना पावर है उसको बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10 पर पावर 3 का मतलब 1000, अब माइनस 30 घटा दीजिए 970, यानी इसका ऑप्शन डी होगा। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लीजिएगा, मन में ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा ये टर्म, जब ये टर्म कैलकुलेशन हो जाएगा ये टर्म तो इस फार्मूला से मैं निकाल दूंगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर, व्हाट इज द रिसिप्रोकल ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स का रिसिप्रोकल क्या, यानी इसका उल्टा क्या होगा, निधिभा से इसको उलट दीजिएगा तो क्या आएगा वही निकालना है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका हमें उल्टा निकालना, इसी प्रोकॉल निकालना है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट कहाँ करता है एग्जामिनेशन में गलती, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, स्टूडेंट क्या करता है कि x का रिसिप्रोकल ले लेता है 1 बाय एक्स उल्टा, x के नीचे 1 है, और इसका उल्टा ले लेता है x को ऊपर कर देता है 1 को नीचे कर देता है x बाय 1, यानी 1 बाय एक्स प्लस एक्स, ऑप्शन सी उसके अकॉर्डिंग, और ये तरीका गलत है, ये पूरा टर्म का रिसिप्रोकल कराने करने के लिए होल टर्म का आपको उसका जितना आएगा उसको उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, वही रिसिप्रोकल होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए x प्लस वन बाय एक्स इसको लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा x आएगा, सो x स्क्वायर प्लस वन, क्यों इसके नीचे वन है, x में वन से डिवाइड कीजिएगा तो x आएगा, x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर आएगा, प्लस तो प्लस, x को x से डिवाइड कीजिएगा तो वन आएगा और वन को वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वन आएगा, क्लियर। सो अब इसका रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल जितना टर्म है उसको उलट दीजिए, यानी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही इसका रिसिप्रोकल होगा, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी,
क्लियर। फिर आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 3:5 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई का हमें मान निकालना है। फ्रेंड इसको सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ध्यान से देखिए दोनों का डिफरेंस क्या लिया है, 2, यानी 3 में 5 को घटाने से हमें वैल्यू निकल गया 2। क्लियर। आपको वैल्यू किसका निकालना, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा बता दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को घटाने से 2 आ रहा है, आ रहा है दोनों को घटाइएगा तो दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, 3+5 यानी 8, यानी ऑप्शन सी होगा, है ना आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो कह रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। फ्रेंड इसका भी वैल्यू 0 दिया हुआ है और इसका भी वैल्यू दिया हो 0 दिया हुआ है, ये भी 0 और ये भी 0, यानी दोनों आपस में इक्वल कर दीजिए। जहाँ भी दोनों का वैल्यू, दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू, इस 0 के स्थान पर ये वैल्यू रख दीजिए, है ना, 0 इक्वल टू दिस, तो इस 0 के स्थान पर इसको रख दीजिए, क्योंकि 0 का वैल्यू दिया हुआ है तो रख दीजिए इस 0 के स्थान पर ये, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। अब एक्स प्लस 6 को लेफ्ट साइड ले आइएगा तो माइनस 6 होगा इक्वल टू 9, और माइनस 6 को राइट साइड ले जाइएगा तो प्लस 6 होगा, इम्प्लाइज एक्स माइनस 6x माइनस 5x, और 9 प्लस 6 15, सो एक्स का वैल्यू कितना होगा, माइनस 15/5 यानी माइनस 3, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। क्लियर। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। फ्रेंड मैं जो भी क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ वो सारे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल से रिलेटेड है, एसएससी से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है, उस सारे क्वेश्चन को लेकर यहाँ मैं आपके सामने रखता हूँ, और जो भी क्वेश्चन रखता हूँ वो सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ रहता है। फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब यह नहीं होता कि केवल सॉल्व कर देना, मेरा यह टारगेट होता है कि इस टाइप का प्रॉब्लम अगर रहता है तो एग्जामिनेशन में आप अपने ब्रेन को कैसे यूटिलाइज करके कम समय में अधिक से अधिक आप आंसर दे सकते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0, तो a माइनस बी और a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। अगर a और b का वैल्यू हमें मालूम हो जाता है तो इसका वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा ना। तो देखिए हमें क्या करना होता है, इसमें a वाले को खोज कर रखिए, ये कहाँ कहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ और ये कहाँ है, यहाँ पर है, तो दोनों को एक साथ पहले रख दीजिए, लिखिए ए स्क्वायर प्लस 4a, और बी स्क्वायर बी वाले को एक साथ रखिए, तो यहाँ लिख दीजिए बी स्क्वायर प्लस 2b और यहाँ पर रख दीजिए 5। फ्रेंड ये जो आप देख रहे हैं, अगर a का कोफिशियंट प्लस में हो तो फार्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर a का कोफिशियंट माइनस में हो तो फार्मूला अप्लाई होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आप फार्मूला लगाते हैं a प्लस बी को होल स्क्वायर, a माइनस बी को होल स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म जो आता है वह आता है 2ab, ऐसा फार्मूला होता है, आता है ना। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ये जो दिया हुआ है 4a, तो यहाँ पर आप 4a लिख दीजिए प्लस, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करने के बाद 4 में, a में नहीं केवल 4 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा ना 2, और जो ये 2 आया उसको अपना मन से स्क्वायर कर दीजिए, अपना मन से इसको मैं स्क्वायर कर दिया हूँ तो 2 का स्क्वायर प्लस, अब इसमें आता हूँ मैं बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस, अब इसमें भी देखिए इस 2 को केवल देखिए, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, इस 2 को इस 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 1, तो 1 जितना आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 0। अब सोचिएगा कि यह 5 आखिर गया कहाँ, 5 इसी के अंदर है, अब ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, सो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 5 हट गया ना, समझ गए होंगे आप, अनइम्प्लाइज परीक्षा में जो भी क्वेश्चन रहेगा सब टेक्निकल क्वेश्चन रहता है,
राइट। अब यहाँ से यहाँ तक आप क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं ए प्लस टू का होल स्क्वायर, लगा दीजिए ए प्लस बी को होल स्क्वायर का फार्मूला तो हमें यह रिजल्ट मिल जाता है प्लस, इसको लिख सकते हैं बी प्लस वन का होल स्क्वायर, जो ए प्लस बी को होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें भी लगाइएगा तो हमें यह रिजल्ट मिलेगा इक्वल टू जीरो। फ्रेंड एक चीज़ ध्यान रखिए, जब स्क्वायरिंग का टर्म दो स्क्वायरिंग का टर्म हो और सब प्लस हो तो ध्यान रखिए कि प्रत्येक टर्म यहाँ जीरो है राइट साइड में, तो इस टर्म का वैल्यू भी जीरो होगा, इस टर्म का वैल्यू भी जीरो होगा, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। सो इसको लिख सकते हैं ए प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो और बी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एंड कर दीजिए एंड बी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए इसका सॉल्व करने के बाद ए प्लस टू का वैल्यू जीरो निकलेगा, चूँकि टू को हटाइएगा तो यहाँ वर्गमूल हो जाएगा और जीरो का वर्गमूल जीरो, रूट लग जाएगा ना टू को हटाने से। सो ए का वैल्यू आया माइनस टू और इसी प्रकार बी का वैल्यू कितना आएगा माइनस वन, क्यों, चूँकि बी प्लस वन इक्वल टू जीरो का वर्गमूल यानी जीरो, सो बी प्लस वन इक्वल टू जीरो तो बी इक्वल टू माइनस वन, तो ए का वैल्यू निकल गया माइनस टू और बी का वैल्यू निकल गया माइनस वन। हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसमें रख दीजिए ए का वैल्यू माइनस टू और बी का वैल्यू माइनस माइनस वन, ए का वैल्यू माइनस टू और बी का वैल्यू माइनस वन, सो माइनस टू माइनस माइनस प्लस वन और ये माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन बाय माइनस थ्री यानी वन बाय थ्री, यानी ऑप्शन इसका आएगा सी। बहुत ही आसान तरीका है, प्रैक्टिस अगर एक बार हो जाएगा तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है जो मन में ही आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्लियर। और फिर ले चलता हूँ लास्ट प्रॉब्लम की ओर, अगर ए स्टार बी इक्वल टू टू ए माइनस थ्री बी प्लस ए बी तो थ्री स्टार फाइव प्लस फाइव स्टार थ्री का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, ये स्टार के जगह पर ये कंपोजिशन को ले लिया है, ऑपरेशन को ये सिंबल को ले लिया है राइट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों प्रॉब्लम सेम ही है, जो कोई भी सिंबल हो। यहाँ पर ये स्टार भी दिया हुआ है थ्री स्टार फाइव और फाइव स्टार थ्री का वैल्यू निकालना है, देखिए आप कैसे निकालेंगे। हमें वैल्यू निकालना है थ्री स्टार फाइव प्लस फाइव स्टार थ्री का वैल्यू निकालना है इक्वल टू, इसमें देखिए प्लस का वैल्यू मैं निकालता हूँ, ए के प्लस पर क्या है, या ए के प्लस पर है और या बी के प्लस पर है, इसमें भी या ए के प्लस पर होगा या बी के प्लस पर होगा, चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ ए स्टार फाइव, सो पहला अंक ए का होगा और दूसरा अंक बी का होगा, ठीक ना। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए ए के जगह पर थ्री बी के जगह पर फाइव रखिए, ए के जगह पर थ्री तो टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स माइनस, बी के प्लस पर फाइव रखिए तो थ्री मल्टीप्लाई फाइव यानी माइनस फिफ्टीन प्लस प्लस, ए के प्लस पर थ्री और बी के प्लस पर फाइव, सो थ्री फाइव जा थ्री फाइव जा फिफ्टीन, यहाँ लिखिए फिफ्टीन, इसका थ्री स्टार फाइव का वैल्यू निकल गया प्लस। अब हमें वैल्यू निकालना है फाइव स्टार थ्री का, अब ए के प्लस पर क्या वैल्यू पुट करेंगे फाइव, ए की जगह पर फाइव रखिए तो फाइव टू जा टेन माइनस, बी के प्लस पर क्या वैल्यू रखिएगा थ्री, रखिए बी की जगह पर थ्री तो थ्री थ्री जा नाइन प्लस, अब ए के प्लस पर फाइव और बी के प्लस पर थ्री रख दीजिए तो थ्री फाइव जा फिफ्टीन, यही ना सॉल्व कर दीजिए, माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा केवल सिक्स, अब प्लस टेन माइनस वन यानी वन अब प्लस फिफ्टीन इक्वल टू सिक्स प्लस फिफ्टीन प्लस वन यानी सिक्सटीन, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा ट्वेंटी टू, सर देख लीजिए कहाँ है इसका, यानी ऑप्शन ए, यही इसका सलूशन हो गया, क्लियर। सो फ्रेंड यह वीडियो कैसा लगा, अगर वास्तव में आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, जय हिंद।